मैडम बात यह है कि मकसद क्या है, हमने ये देख रहा है, मकसद यह है कि मुस्लिम लीग नून को तोड़ना है। मियाँ साहब को कहा गया कि आपने अकामा शो नहीं किया, बेटे से तनख्वाह नहीं ली। खाया साहब को कहा कि आपने अकामा तो शो किया लेकिन आप तो वहां मुलाजिम थे। गैर देखे 621F की तशरी जो है वो अपनी मर्जी से की जा रही है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है मैडम कि 62 जो है 1 है या 1F है वो है उसकी उम्मीदवार की क्वालिफिकेशन के लिए कि जब वो कर्जात रहमतगी जमा करा रहा हो तो उस वक्त ये लाजम है। और जो डिस्क्वालिफिकेशन होती है वो 63 के साथ कर रहे हैं। अब जज साहबान की मर्जी है, वो कहते हैं हम 63 और 62 को इकट्ठा जाके पढ़ते हैं तो ये डिस्क्वालिफिकेशन बन सकती है। अब वो उनका मिजाज है, जैसे कानून को जैसे उसकी इंटरप्रेशन करें। तो आप ये कह रहे हैं कि नून लीग को बेसिकली निशाना बनाया जा रहा है, ये मकसद है इसका? निशाना जी, निशाना बनाया जा रहा है। जहांगीर तरीन साहब को भी तो किया ना इसी आर्टिकल के तहत, उनको भी डिस्क्वालीफाई किया। वो तो मैटर इसलिए किया है कि जस्टिफाई करने के लिए कि लोग ये ना समझे कि एक तरफ किया गया। इमरान खान, इफ्तिखार चौधरी साबिक चीफ जस्टिस ने क्या कहा कि इमरान खान और नवाज शरीफ का केस एक जैसा है, एक को डिस्क्वालीफाई किया गया, एक को छोड़ दिया गया। मरहूम आसमा जहांगीर ने क्या कहा था? मरहूम ने कहा था कि नवाज शरीफ को अगर इंसाफ चाहिए, अदल चाहिए तो उसको सड़कों पर आना होगा। तो ये मैं उनकी बातें कह रहा हूँ, जिसको चीफ जस्टिस साहब कहते हैं कि ये मेरी 1.5 लाख फौज है वो कला की, ये उनके कह रहे हैं। और मैं एक आखिरी बात कहूँ कि जब पिछले जो 4 दिन हो गए, ये जो पिछले हफ्ते वाले दिन जो पाकिस्तान बार काउंसिल ने जो रेजोल्यूशन पास किया है उसमें क्या है कि जज साहबान से रिक्वेस्ट की गई है, कहा गया है कि आर्टिकल 1843 का इस्तेमाल जो है वो बुनियादी हकूक तक होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। और उन्होंने कहा कि हम ये देख रहे हैं कह दिए कि जज साहबान जो है तय कायन के साथ जो उनको तैरक कर रहे हैं उससे तजावज कर रहे हैं। अब इससे आप समझ लें कि हमारे साथ क्या हो रहा है। ये जज साहबान कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के बार के वकला साहबान कह रहे हैं, ये सारे लोग क्या कह रहे हैं, साबिक ये चीफ जस्टिस साहबान क्या कह रहे हैं? अच्छा तो आप नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं, मुस्लिम लीग नून को तोड़ना है। अल्हम्दुलिल्लाह सिवाय 2-4 के अभी तक कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, बल्कि इस बयानी में आज मैंने देखा कि मियाँ साहब के साथ जब ये फैसला आया तो हम मियाँ साहब के साथ ही बैठे थे और उन्होंने कहा कि कोई ये समझता है कि इस चीज से मैं पीछे मुड़ के देखूंगा या रुक जाऊंगा, नहीं, मैं इंशाल्लाह आगे बढ़ूंगा, मैं हक पर हूँ, सच पर हूँ और हमेशा फतह हक की होती है। ये अभी आज का उनका बयान है।